राजस्थान दुनिया के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। यहाँ की संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है। आज भी जब कभी राजस्थान का नाम लिया जाए तो हमारी आंखों के आगे थार रेगिस्तान, ऊंट की सवारी, घूमर और कालबेलिया नृत्य और रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान आते हैं। अपने सभ्य स्वभाव और शालीन मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है ये राज्य। चाहे स्वदेशी हो या विदेशी, यहाँ की मेहमान नवाजी तो किसी का भी मन चुटकियों में मोह लेगी। आखिरकार किसका मन नहीं करेगा रात के वक्त रेगिस्तान में आग जलाकर काल बेलिया नृत्य देखने का। जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति का अनुभव किया है वो बहुत खुश नसीब है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है आज हम उन्हें ले जाएंगे इस शाही शहर की सरल लेकिन आकर्षक संस्कृति के बारे में। कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिन्हें जानने के बाद यहाँ आने के लिए खुद को रोक नहीं पाएंगे। जहाँ बात सभ्यता और सुंदरता को एक ही साथ जोड़ने की हो तो राजस्थानी कपड़ों के आगे कुछ नहीं टिकता। महिलाओं के लिए पारंपरिक राजस्थानी कपड़े काफी सभ्य, सुंदर और आरामदायक होते हैं। यहाँ की महिलाएं घाघरा, ओढ़नी, चोली, दुपट्टा लिए हुए पहनती हैं। महिलाओं के कपड़े चटक रंग के होते हैं जिनमें गोटा बॉर्डर लगा होता है। अपने से बड़ों के सामने और बाहरी लोगों के आगे महिलाएं घूंघट निकाल कर रखती हैं। इस तरह से वो उस व्यक्ति को अपने से सम्मान देती हैं। तो वही पुरुष धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ पुरुष बंदेज के प्रिंट वाली सूती कपड़े की पगड़ी भी पहनते हैं। उनके लिए पगड़ी का मतलब सिर्फ सिर ढकने वाली एक टोपी की तरह नहीं होता, बल्कि इज्जत होती है। कपड़ों के बाद अब बात करते हैं राजस्थानी आभूषणों की, जो ना कि सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आभूषण केवल महिलाएं ही पहनती है। राजस्थान में आपको बहुत से ऐसे लोगों के गले में सोने की चेन, हाथ में पुरुषों वाली भारी सी चूड़ी और एक कान में सोने की बालिया या लौंग। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध और महिलाओं द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला आभूषण है बोरला। बोरला एक प्रकार का मांग टीका होता है जो देखने में लट्टू जैसा होता है। ये राजस्थान के पारंपरिक आभूषणों में से एक है। इसके अलावा महिलाएं कमरबंद, बाजूबंद और लाख और सीप के कंगन भी पहनती हैं। जहां बात राजस्थानी नृत्य की आती है तो सबसे पहला नाम आता है घूमर का, वही डांस जो आपने बहुत सारी मूवीज में करते हुए देखा होगा। लेकिन हकीकत में घूमर डांस इसे थोड़ा अलग होता है, जो ज्यादातर यहाँ की महिलाएं ही निपुणता से कर पाती हैं। ये नृत्य देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन करने के लिए पैरों में बहुत ताकत चाहिए होती है। इसके अलावा राजस्थान का दूसरा सबसे मशहूर नृत्य है कालबेलिया डांस। पारंपरिक रूप से ये राजस्थान के बंजारनों द्वारा किया जाता है। कालबेलिया नृत्य आम लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें लोगों के मनोरंजन के लिए कई खतरनाक कर्तव्य भी किए जाते हैं, जैसे किलो पर खड़े होकर नाचना, आंखों से ब्लेड उठाना और एक उंगली पर थाल घुमाना। इन सब कर्तव्यों के लिए महीनों के अभ्यास की जरूरत होती है। खाने का शौकीन तो हर कोई होता है, लेकिन आपने राजस्थान आकर यहाँ का पारंपरिक खाना नहीं खाया तो समझो आपने कुछ नहीं खाया। राजस्थान का दाल बाटी और चूरमा तो देश के कोने कोने में मशहूर है। दाल के साथ घी में डूबी गर्मा गर्म बाटी और मीठे के तौर पर घी वाला गर्मा गर्म चूरमा, सोच कर ही मुंह में पानी आने लगता है। वैसे तो ये आपके शहर में भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ के जैसे खाने की बात यकीनन कहीं और नहीं होगी। त्योहार तो हर राज्य, शहर और धर्म के अच्छे होते हैं, लेकिन राजस्थान के कुछ मशहूर त्योहार जैसे राजस्थान में होने वाला डेजर्ट महोत्सव, जहां अतरंगी मुकाबले आयोजित किए जाते हैं। यहां पुरुषों के बीच मूछों का मुकाबला होता है और ऊंट के खेल दिखाए जाते हैं। ये महोत्सव फरवरी में आयोजित किया जाता है। यहां का दूसरा मशहूर फेस्टिवल ऊंट मेला, राजस्थान के बीकानेर में आयोजित होने वाला ऊंट मेला, जो हर साल रेगिस्तान के जहाज माने जाने वाले ऊंट के सम्मान में लगता है। इस मेले में ऊंट को किसी दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके अलावा सभी ऊंटों के बीच दौड़ लगवाई जाती है। लोगों के मनोरंजन के लिए मेले में राजस्थानी गीत भी चलाए जाते हैं। मेले के अंत में आतिशबाजियों से पूरे आसमान को रोशन किया जाता है।
बीकानेर में होने वाला ये ऊंट मेला हर साल जनवरी में आयोजित किया जाता है, पुष्कर मेला जो हर साल आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं पुष्कर मेला की, जो पुष्कर मेला हर साल नवंबर में पुष्कर में लगता है और जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा लोग और लगभग 20,000 ऊंट, घोड़े, हाथी से बनी तरह तरह की चीजें और घर सजाने की बहुत सी चीजों से भरी दुकानें देखने को मिलेंगी। तो आपको हमारा राजस्थान कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। बाय बाय।